देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और दुल्हन की तरह कान्हा की नगरी मथुरा को सजाया गया। और राम की नगरी अयोध्या में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भव्य तैयारियां हैं। रामलला मंदिर प्रबंधन की तरफ से खास कार्यक्रम का आयोजन है। ये खास रिपोर्ट देखिए। इस बार भगवान राम की नगरी अयोध्या भी श्री कृष्ण के जयकारों से गूंजेगी। कान्हा के अवतरण का उल्लास ब्रजभूमि मथुरा में ही नहीं, अयोध्या में भी पहली बार खास आयोजन किया जा रहा है। रामलला मंदिर प्रबंधन के मुताबिक शाम की आरती के बाद मंदिर को बंद कर दिया जाएगा, फिर रात लगभग 11:30 बजे से 12:30 बजे तक रामलला के अस्थायी मंदिर को खोला जाएगा। इस दौरान भगवान को 1500 किलो चार प्रकार की पंजीरी, 40 लीटर पंचामृत, 15 किलो पेड़ा और 20 किलो फल का भोग लगाया जाएगा। मथुरा में खुद मुख्यमंत्री जन्माष्टमी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दोपहर 1 बजे के करीब सीएम मथुरा पहुंचेंगे। सीएम योगी शाम 4 बजे श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचेंगे, जहां विशेष पूजन अर्चन करेंगे। इसके बाद वृंदावन में अन्नपूर्णा भवन TFC में कृष्ण उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, फिर आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में आज विशेष दर्शन होंगे। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक रात 11 बजे से विशेष पूजा आरम्भ होगी, जो 1:30 बजे रात तक शयन आरती तक चलेगी। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।